हे hey दोस्तों, वेलकम है आप सभी का हमारे इस न्यू वीडियो में। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इस तरह के जो हमारे पास शॉपिंग बैग रहते हैं, कुछ तो स्वीट्स के रहते हैं और कुछ शॉपिंग बैग वगैरह रहते हैं। तो इस तरह से आपके पास भी अगर इकट्ठे पड़े हुए हैं और आप इसका यूज करना चाहते हैं बट आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप इससे क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं, तो इससे बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं। फिलहाल मैं आज इसका यूज करूंगी, बहुत ही यूनिक सा, जो कि आप मार्केट में लेने जाएंगे तो आपको महंगा मिलेगा। तो चलिए एकदम से फ्री में बनाते हैं। तो सबसे पहले इसको करना क्या है, कट कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा वाला शॉपिंग बैग लिया हुआ है कुछ इस तरीके से। तो इसी तरह से मेरे पास बहुत सारे शॉपिंग बैग इकट्ठे पड़े हुए हैं, तो मैं सब जितना मुझे चाहिए होगा मैं उतना यूज करूंगी। तो यहाँ पे पहले तो मैं इतना ली हूँ और इसको मैं कट करूंगी। तो किस तरीके से मैं कट करूंगी, चलिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो वेलकम है आप सभी का हमारे इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, वीडियो एंड तक देखिएगा और पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक के साथ साथ शेयर भी कर देना, एंड नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना ढेर सारा प्यार एंड सपोर्ट देना। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले तो हम इसे जो है सीधा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम पहले ना यहाँ नीचे की कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद इसको हम क्या करेंगे ना, तो खोल देंगे, तो खोलने से बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे नीचे पे मैंने कट कर लिया हुआ है और यहाँ ऊपर से मैं कट कर लूँगी। तो ये जितने भी हमारे एक्स्ट्रा हैं इसको मैं निकाल दे रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से इसको खोल लिया हुआ है। अब आपको इस तरह से फोल्ड कर लेने हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से मोड़ लिया हुआ है। अब मोड़ने के बाद यहाँ पे मैं कट कर लूँगी। तो यहाँ पे हमें पतली पतली जो है पट्टियाँ कट करके निकाल लेनी है, तो इसी तरीके से हम निकाल लेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम पहले इसको कट कर ले रहे हैं। तो हमें एकदम से इसको बराबर में पतले पतले जो है पीसेज में कट करना है, कुछ इस तरीके से अभी मैं कट कर ले रही हूँ। उसके बाद अभी इसमें से और भी कटिंग होगी। तो यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से कट कर लिया हुआ है। अब मैं इसको फिर से खोल लूँगी। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से लंबी लंबी जो है पट्टियाँ तैयार हुई हैं। तो यहाँ पे हमें जो है 4-4 इंच के नाप से कट कर लेने हैं। तो यहाँ पे हमें छोटे छोटे पीसेज में चाहिए होगा। तो सारे के सारे जितने भी हमारे पास शॉपिंग बैग है मैं सारी की कटिंग कर लूँगी। 4-4 इंच की पीसेज चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस लंबाई से मैंने इस तरह से काटा हुआ था। अब इसी में से मैं छोटे छोटे पीसेज जो है निकाल लूँगी। तो यहाँ से कुछ इस तरीके से करते हुए कट कर लो। तो यहाँ पे मैं इस तरह से कट कर ले रही हूँ। तो मैंने पहले भी कट कर लिया हुआ है। तो ये हमारा दूसरा वाला शॉपिंग बैग है। तो इसी तरीके से हमें जो है सारे शॉपिंग बैग का कटिंग कर लेनी है। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपके पास जितने भी बेकार पुराने शॉपिंग बैग पड़े हुए हैं तो इस तरह से यूज करिएगा, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल चीज़ बनती है, एकदम से फ्री में और ज़्यादा मेहनत भी नहीं पड़ती है। तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही बेस्ट सर बनकर तैयार होता है, जो कि मैं आप लोगों को लास्ट में दिखाने वाली हूँ।
तो यहाँ पे फाइनल में हमारी कटिंग हो चुकी है। तो इसी तरह से हम सारे कर ले रहे हैं, तो चलिए सबको कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से हम बनाने वाले हैं एंड क्या बनाने वाले हैं। तो इसका भी हम कटिंग कर लेते हैं एंड आपके पास जितने भी कलरफुल हों आप कट कर लीजिए। तो यहाँ पे फाइनल में मैंने सारे का सारा कट कर लिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, और बहुत ही ज़्यादा कलरफुल है। मेरे पास जितने भी कलरफुल थे मैंने सबका सब कटिंग करा हुआ है। तो यहाँ पे फाइनल में हमारा कट के तैयार हो चुका है, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिलाई मशीन का हेल्प लिया हुआ है और यहाँ पे मैंने एक शॉपिंग बैग लिया हुआ था, उसी को मैंने कट करके एक बड़ा सा बना लिया हुआ है। अब उसी में मैं इसकी जो है सिलाई करूँगी। यहाँ पे मैंने जितनी भी छोटी छोटी पट्टियाँ इस तरह से कट करा हुआ है, कुछ इस तरीके से फैलाते हुए यहाँ पर हम सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पे हम अच्छे से फैला दे रहे हैं, और आपके पास अगर थोड़ी सी शॉपिंग बैग है तो आप दो दो पट्टियाँ को एक दूसरे पे ज्वाइन करके कर सकती हैं, नहीं तो आप इस तरह से ढेर सारी इकट्ठा रख रख करके सिलाई कर सकती हैं। तो जैसा आपको ईजी लगे आप कर सकती हैं। तो यहाँ पे इस तरह से रखते हुए यहाँ पे सिलाई कर ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैं स्टार्टिंग ब्लैक से कर रही हूँ, तो ब्लैक साइड में साइड साइड लगाएंगे ना, थोड़ा सा न्यू लुक आएगा और देखने में प्यारा भी लगेगा। तो इसी तरह से हमें आसान तरीके से इसकी सिलाई जो है कर लेनी है। तो यहाँ पे हमारा एक राउंड कंप्लीट हो गया है, अब दूसरी राउंड स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अब आपको करना क्या है, आपको कुछ इस तरीके से पट्टियों को पलट लेने हैं, पलटने के बाद आपको दूसरा राउंड स्टार्ट कर देने हैं। तो आप इस तरह से पलटते हुए सिलाई करेंगे ना, तो इससे देखने में एक न्यू लुक सा आएगा और बहुत ही प्यारा भी लगेगा। तो इसी तरीके से हमें जो है मोड़ देना है, और मोड़ने के बाद एक्स्ट्रा हमें सिलाई कर लेनी है। तो यहाँ पे अब मैं दूसरी पट्टियाँ लगा रही हूँ। तो इस तरह से आप कलरफुल जो है शॉपिंग बैग का यूज कर सकते हैं। तो हमें इसी तरह से सेम प्रोसेस करते हुए पूरी की पूरी सिलाई जो है कर लेनी है। तो दोस्तों आप लोग एक बार ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही इजी तरीके से बनता है ना, और बहुत दिनों तक चलता है। आप इसको एज ए डोरमेट वगैरह की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बहुत ही प्यारा लगता है। आप टेबल मैट भी बना सकते हैं। तो मैंने इसी तरीके से बहुत पहले बनाया हुआ था, जो कि मेरा लंबे समय तक चला, अभी भी चल रहा है। तो मेरे पास इस तरह से इकट्ठे हो गए थे, तो मैंने सोचा चलो एक बार फिर से यूज कर ले रही हूँ। तो हमें सेम यही करना है, तो चलिए इस तरह से हम सिल लेते हैं, उसके बाद आपको फाइनल में दिखा रहे हैं किस तरीके से लगता है। तो यहाँ पे फाइनल हमारा कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। अब साइड में जो हमारा एक्स्ट्रा निकला हुआ है उसको हम क्या करेंगे, कट करके निकाल लेंगे। तो जो भी आपका निकला हुआ थोड़ा सा आड़ा तिरछा है तो आप उसको शेप में दे दीजिए, इस तरह से कट कर लेंगे। अब कट करने के बाद बहुत ही प्यारा सा लग रहा है, तो चलिए मैं आप लोगों को पूरा दिखा रही हूँ। तो फाइनल में दोस्तों मैंने कुछ इस तरीके से बनाया हुआ है, आप इसी तरीके से बहुत बड़ा भी बना सकते हैं एंड आप सर्कल में भी बना सकते हैं, जैसा आपको चाहिए होगा आप बना सकते हैं। ट्राई ज़रूर करिएगा दोस्तों, बहुत ही प्यारा सा सॉफ्ट सा बन के रेडी हो गया है। आप इसको अपने बाथरूम के सामने या किचन के सामने कहीं भी आप इसको यूज कर सकते हैं, या बेड के पास भी रख सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा, देखने में भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है, साथ ही साथ आपके घर में जितने भी शॉपिंग बैग है उसका भी यूज आ जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा, तो प्लीज शेयर करना एंड एक लाइक तो कर ही देना, साथ ही साथ कमेंट में अपनी राय भी दे देना। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए नए टिप्स के साथ दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, एंड ऐसे ही आप लोग अपना प्यार बनाए रखिएगा, एंड थैंक यू सो मच 2K कंप्लीट करने के लिए।